विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। मैं रविंद्र गंगवार काफ़ी लंबे समय बाद फिर उपस्थित हूं और CDP पे बहुत सारे वीडियोज़ प्रकाश क्लासेस के चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल प्रारंभ से हम पुनः स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो कुछ ही समय में आने वाला है और जल्द ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद संभवतः सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो इसके लिए हमें अभी से लगना पड़ेगा। और हम उसमें आपको डेली पर डे या तीसरे दिन आपको वीडियोज़ यहाँ से मिलती रहेंगी और आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, एकदम तैयार होकर बैठिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। तो हमारा बाल विकास एवं जो शिक्षण शास्त्र है, CDPM जिसे बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब देखो मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं, मनोविज्ञान कहाँ से आया है और मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी पड़ेंगी। इसके बाद में हमारा आगे डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। तो ये इंग्लिश का एक शब्द है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी हमारा शब्द है। हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इसमें साइकी और दूसरा है लोगस। एक है साइकी, दूसरा है लोगस। इसमें जो साइकी शब्द है इसका मतलब है सोल, यानी कि आत्मा हम हिंदी में कहते हैं, और लोगस का मतलब है स्टडी, यानी कि अध्ययन। अध्ययन, तो ये दोनों मिलाकर हमारा हो जाता है आत्मा का अध्ययन। यानी कि मनोविज्ञान की जो प्रारंभिक परिभाषा दी गई वो दी गई आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन में हम पढ़ते थे, तो प्राचीन यूनान से लेकर और लगभग 16वीं शताब्दी तक हम यही पढ़ते रहे कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने वाले अरस्तु वगैरह, सुकरात और ये सारे लोग थे। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया तो एक शाखा के रूप में अलग नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ मनोविज्ञान एक विषय बना दिया गया जिसमें कि अरस्तु हैं, सुकरात हैं, ये सारे यूरोप के लोग थे। और इसके बाद में जब मनोविज्ञान विलियम बुंट और विलियम जेम्स वगैरह लोग आए, तो मनोविज्ञान को एक नया विषय या नया जन्म मिला हम कह सकते हैं। इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म कहते हैं। इसे हम शताब्दी के हिसाब से बांट लेते हैं, जैसे प्राचीन यूनान से लेकर 16वीं शताब्दी में जब आए थे अरस्तु, एक मुख्य नाम आता है अरस्तु का। इन्होंने क्या किया था कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को अलग किया था और कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। एक परिभाषा भी है इनकी, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को एक आत्मा का विज्ञान कहा था। तो इसी हिसाब से इन्हें चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम मनोविज्ञान का इतिहास देख लेते हैं। देखो मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, जैसे कि हम बात अभी कर रहे थे प्राचीन यूनान से लेकर 16वीं शताब्दी तक, जहाँ से मनोविज्ञान का जन्म हुआ, तो इसे कहा गया था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, ये बात है प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी का मतलब है 1500 से लेकर 1599 तक, ये पूरी 16वीं शताब्दी है। तो यहाँ पर इसे कहा गया था आत्मा का विज्ञान, और कहने वाले लोग कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है अरस्तु को। सुकरात थे और प्लेटो, ये लोग आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहते थे। ये मानता प्राचीन यूनान से लेकर और 16वीं शताब्दी तक चलती रही थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में आए पंपोलॉजी, जिन्होंने कहा था मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले लोग थे पंपोलॉजी। पंपोलॉजी,
इन्होंने कहा आत्मा का क्या मतलब है, आत्मा ना तो देखी जा सकती है ना सुनी जा सकती है, तो इसे मन या मस्तिष्क जिसका प्रयोग हम सीखने में करते हैं उसे इन्होंने बताया था कि ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इसे कहने वाले थे पैंपोलॉजी। ये बात कब की है, 17वीं और 18वीं शताब्दी की। इसके बाद ये बात 18वीं शताब्दी तक चलती रही थी। इसके बाद में जब 19वीं शताब्दी आई तो मनोविज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और वह परिवर्तन क्या हुआ कि इसे कहा जाने लगा कि ये चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, इसे चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन लोग थे, इसमें थे जर्मनी से विलियम बुंट थे, और अमेरिका से थे विलियम जेम्स। ये अमेरिका से थे और जर्मनी से थे विलियम बुंट। इन्होंने क्या माना कि चेतना का विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। किसका विज्ञान है, चेतना, जो हमारे चेतन में है, जो हमारे प्रेजेंट में है, जो इस समय है, वर्तमान में है, वो चीज़ हमारी जो चेतना में है उसे हम कहते हैं, चेतने के विज्ञान को हम कहते हैं मनोविज्ञान। इसके बाद जब हमारी आई 20वीं शताब्दी, अब 20वीं शताब्दी में कौन लोग आए थे और उन्होंने क्या माना था, इसे माना गया व्यवहार का विज्ञान। इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। और इसे मानने वाले कौन लोग थे, वाटसन थे, जेबी वाटसन, और बहुत सारे लोग थे, स्किनर थे पावलोव थे, थंडाइक थे, ये सारे लोग व्यवहारवादी लोग हैं और इसे व्यवहार का विज्ञान मानने वाले लोग हैं। तो अगर हम इसे देखेंगे, जो हमारा इतिहास था, अगर हम शुरू से लेकर चलते हैं, तो हमारी एक तो हमें याद करना है मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी, एक हमें याद करना है 17वीं शताब्दी, और एक हमें याद करना है 19वीं शताब्दी, और एक है हमारी 20वीं शताब्दी। ये हमें चार चीज़ें याद करनी है मुख्य रूप से, इन्हीं से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। 16वीं शताब्दी में सोल यानी कि आत्मा, और 17वीं शताब्दी में हमारा क्या था, मन या मस्तिष्क। और जो हमारी 19वीं शताब्दी थी, इसमें क्या था, हमें मुख्य रूप से याद करना है चेतना। और जो हमारी 20वीं शताब्दी थी, इसमें याद करना है व्यवहार। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 16वीं में सोल या आत्मा, 17वीं में मन मस्तिष्क, 19वीं में चेतना, और 20वीं में व्यवहार का विज्ञान। अब इन्हें मानने वाले लोग, एक एक नाम आप याद कर लें। इसमें आप अरस्तु को मुख्य रूप से याद रखें, ये अरस्तु हैं, ये पैंपोलॉजी। और इसके बाद में चेतना वाले हमारे हैं विलियम बुंट, ये सबसे पहले विलियम बुंट का नाम आता है इसमें, विलियम बुंट, ठीक है। और जो व्यवहार है, ये हमारा वाटसन का नाम आता है। व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन को ही माना जाता है। वाटसन ने व्यवहारवाद की खोज की थी और इन्होंने एक पुस्तक भी अपनी लिखी थी व्यवहारवाद पे। तो व्यवहार वाटसन से, चेतना विलियम बुंट से, मन पैंपोलॉजी से, मन या मस्तिष्क, और आत्मा अरस्तु से। आत्मा अरस्तु, मन मस्तिष्क पैंपोलॉजी, चेतना विलियम बुंट, और व्यवहार वाटसन से। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है प्रश्न में, तो इसलिए इन चीज़ों को, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लें और आगे हम देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक नाम आता है वुडवर्थ का नाम आता है। इन्होंने बताया था कि ये आत्मा से लेकर चले थे और व्यवहार तक आए हैं। इन्होंने कहा था कि एक परिभाषा है और पूछ ली जाती है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन मस्तिष्क को खोया, उसके बाद चेतना को खोया, और वर्तमान में व्यवहार को मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये वुडवर्थ की एक परिभाषा है, इसे आप याद कर लेंगे। और इसे हम लिख भी सकते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को, फिर मस्तिष्क को, इसके बाद चेतना को,
चेतना को, और वर्तमान में, वर्तमान में विहार के विज्ञान को, विहार के विज्ञान को या अध्ययन को, अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है, कहा जाता है। वुडवर्थ की जो परिभाषा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खो दिया। इसके बाद कब की बात है ये, 16वीं शताब्दी, आत्मा को कब की बात है, 16वीं शताब्दी में आत्मा की बात कही जाती थी। इसके बाद जब 17वीं शताब्दी आई थी तो ये मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। ये कब की बात है, 17वीं शताब्दी की, यानी कि पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर इसके बाद मस्तिष्क को, और इसके बाद किसे खोया, चेतना को। चेतना की कब की बात है, 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं, इसे खो दिया। और वर्तमान में ये व्यवहार की विधि के साथ है, या वर्तमान में हम व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ये कब से चल रहा है, 20वीं शताब्दी से अब तक, 20वीं शताब्दी से अब तक। इसे हम क्या कहते हैं, बिहार का विज्ञान ही कहते हैं, यही बिहार की विधि को स्वीकार करता है। तो भाई ये था हमारा इतिहास, जो मनोविज्ञान का इतिहास था वो हमने बता दिए। आगे हमारे जो शुरू होंगे वो होंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय कौन कौन से हैं, इसमें जैसे संरचनावाद है, प्रकारवाद है, जिसमें विलियम बुंट की प्रयोगशाला है, विलियम जेम्स हैं जिन्होंने दूसरी प्रयोगशाला दी थी, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, और चैनल से आप लगातार जुड़े रहिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।